तो बताइए जी, कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल क्या पढ़े थे आप लोग बताएंगे? मन नहीं है बताने का। पीछे सबसे लास्ट में क्या नाम आपका, बताइए क्या पढ़े थे आप? आपने क्या पढ़ा था कल, या आप लोगों ने क्या पढ़ा था कल? क्या आपने प्रैक्टिस करा आप लोगों ने? चलो जी ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है? इतना कल बताया था वो तो आपको मालूम ही है जी। तो ये डेटाबेस से मैं उठाया था और यहाँ पे ले लाया था, राइट? इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं ना था कल? था। अगर कोई समस्या है तो आप लोग अभी पूछ लीजिए जी, और समस्या नहीं है तो फिर कितना खुशी का बात है ना? ठीक है जी। तो कोई समस्या है आप लोगों को तो बताइए। एक सेकेंड रुकिएगा। तो इतना तक सबको क्लियर है, ठीक है? तो डेटाबेस आपके सामने ही मैं बनाया था जी, ठीक है? डेटाबेस ये है मेरा डीबी वाला, ठीक है? इसके अंदर जो है कुछ डेटा है वही दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ आप लोग और नाम बताइए, एक एंट्री में और कर दूं। बताएंगे? हाँ तो बताइए जी। इतना रुपए दिया होगी मैं, ठीक है? चलिए बंद करता हूँ मैं इसको। अरे यार सेव मैं किया। चलिए मैं प्रोग्राम रन कर देता हूँ, ठीक है? आ गया ना तीसरा भी रिकॉर्ड। अब मैं डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है? डिस्प्ले करा दिया मैं डेटा, डेटा डिलीट करना चाह रहा हूँ मैं अब, राइट? तो या तो मैं इधर एक ठो बटन दे दूँ और जिस डेटा को इधर से मैं सेलेक्ट करूं और डिलीट बटन पे दबाऊं तो डिलीट हो जाए, राइट? या तो मैं ऐसा करूं कि यहीं पे सेलेक्ट करूं फिर राइट क्लिक करूं और फिर डिलीट कर दूं, तो मैं कौन सा तरीका यूज करूं आप लोग बताइए? राइट क्लिक करके या फिर इधर बटन लगा दूं? बताइए। या फिर राइट क्लिक करूं इधर और फिर डिलीट का ऑप्शन आए और डिलीट कर दूं, क्यों, क्या कहते हो? बटन बना दो, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट करूं? राइट क्लिक करके ही कर देता हूं, ठीक है? चलिए। तो राइट क्लिक माने कॉन्टेक्स्ट मेनू कहलाता है जी। मैं क्या करूंगा, टूल बॉक्स से ले लूंगा कॉन्टेक्स्ट मेनू, ठीक है? आ जा भाई, कहे नहीं दिख रहा है मुझे। कंट्रोल में कॉन्टेक्स्ट मेनू किधर है भाई? सी से होता है ना कॉन्टेक्स्ट, यही है कॉन्टेक्स्ट मेनू, उठा के ले लाता हूँ उधर। इधर आ गया, इसमें लगा देता हूँ डिलीट, ठीक? और इसका जाता हूँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में, नहीं नहीं ये तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ प्रॉपर्टी में, ठीक है? और फिर जो है प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, भूल गया जी मैं, बताएंगे आप लोग? अरे यार प्रॉपर्टी में तो जाना चाहिए मेरे को, ग्रिड व्यू का प्रॉपर्टी में ना, ग्रिड व्यू के प्रॉपर्टी में जाऊँगा और इधर कॉन्टेक्स्ट मेनू होगा किधर, आप लोग को दिख रहा है? ये है कॉन्टेक्स्ट मेनू, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक किया तो डिलीट आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो डिलीट आ गया, डिलीट पे करूँगा तो डिलीट होना चाहिए, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे आया और डिलीट बटन पे किया मैं डबल क्लिक, ठीक। तो यहाँ पे मैं जो भी कोड करूँगा जी, क्या होगा, वो फायर हो जाएगा डिलीट बटन करने पे, राइट, समझ रहे हैं आप लोग। किसी को किसी भी तरह का समस्या होगा तो आप लोग बताइए मेरे को, ठीक है, और समस्या नहीं होगा तो दिक्कत ही नहीं है। ये डेटाबेस एक्सेस को मैं ओपन किया, ठीक है, तो मैं डिलीट करूंगा डेटा, तो किसके आधार पे डिलीट करूंगा जी, मैं नेम, दो स्टूडेंट का सेम नेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, ईमेल एड्रेस तो यूनिक ही होगा, ठीक है, आधार नंबर भी यूनिक होगा, कोर्स जो है वो यूनिक नहीं होगा, फीस यूनिक नहीं होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं चाहूं तो ईमेल के आधार पे सेव करूं, नहीं मतलब ईमेल के आधार पे डिलीट करूं, ठीक है, या तो इस आईडी के आधार पे, ये वाला आईडी तो यूनिक होगा ना सबका, तो मैं क्या करूंगा कि इसी आईडी के आधार पे रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा, ठीक, समझ गया आप लोग। चलिए मिनिमाइज करा मैंने इसको, ठीक है, रन करता हूँ प्रोग्राम, तो यहाँ पे दिख रहा है ना 1 2 3 दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है, तो इसी 1 2 3 को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट किया हूँ तो इसका जो है आईडी आके आ जाए 1 2 आ जाए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो 1 आ जाए, यहाँ पे मैं क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट करूँ, ठीक है, तो 3 मैं डेटा गेट कर सकूँ, यहाँ से डेटा मैं 1 2 3 को गेट कर सकूँगा तभी तो डिलीट करूँगा ना, राइट। चलिए जी, अच्छा मैं अभी रन कर रहा हूँ ना, तो ये छोटा सा विंडो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बड़ा करता हूँ तो ऐसे हो जाता है, मैं चाहता हूँ कि जैसे रन करूँ तो विंडो मेरे को बड़ा सा दिखाई दे, तो फॉर्म पे मैं आता हूँ और इधर इज मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कुछ होता है ऑप्शन, ठीक है, होता है यार इधर कहीं ऑप्शन, मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, बोल रहा हूँ मैं, चलिए मैं याद आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी समय को न बर्बाद करते हुए सीधा आते हैं इवेंट में और कोड लिखते हैं। तो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल क्या है, टेबल कहीं तो फॉर्म में दिखाता है ना डेटा, टेबल कहीं फॉर्म में दिखाता है, तो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर भी तो रो कॉलम होंगे, ठीक, मैं लिखूंगा डेटा ग्रिड व्यू डॉट col कर रहा हूँ, तो ये देखिए कॉलम आ रहा है ना, कॉलम काउंट, कॉलम वगैरह ढेर सारा है, देखिए कॉलम्स है ना, और रो करूँगा तो रो भी आएगा जी, ये देखिए रो आ रहा है, रो काउंट आ रहा है, रो हेडर स्टाइल है, रो का विड्थ है, ठीक है, यहाँ पे आ गया रोज, रोज कर दूंगा तो सारा रो आ जाएगा, ठीक है, तो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल भी रो कॉलम से बना है, और डेटा टेबल जो है ये भी तो रो कॉलम से ही बना है ना, और रो कॉलम से हमारा एक्सेस में जो टेबल बनता है वो भी तो रो कॉलम से ही बना है ना, राइट। तो मैं क्या चाहता हूं ना कि यहां पे सिलेक्टेड रो मैं देखता हूं, ठीक है, सिलेक्टेड रो यहां पे किया, ठीक है, अब जो रो सिलेक्टेड है तो हो सकता है कि डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में एक से ज्यादा रो सिलेक्टेड हो, अभी तो ये नहीं चलेगा जी, मैं इसको कमेंट करता हूँ पहले, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से एक से ज़्यादा सिलेक्टेड हो, राइट, सिलेक्ट हो जा रहा है ना, अभी सिलेक्ट हो जा रहा है इस, तो एक से ज़्यादा हो सकता है कि सिलेक्टेड हो, तो मेरे को कौन सा चाहिए, जीरो वाला चाहिए, ठीक, इस वाले पे क्लिक करूँ तो जीरो वाला आएगा, इस वाले सिलेक्ट मैंने करा तो जीरो वाला करूँगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, अगर वन इंडेक्स लिखूंगा तो वन इंडेक्स ये आएगा, टू इंडेक्स लिखूंगा तो ये आ जाएगा, राइट, मतलब एरे के फॉर्म में होता है, ठीक है, आप चाहें तो सिलेक्शन को जो है ना सिंगल कर सकते हैं कि एक बार में एक ही सिलेक्ट हो, इधर कहीं होगा सिलेक्शन का भी, डेटा मेंबर, ये देखिए मल्टी सिलेक्शन यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे ट्रू है, मैं कर देता हूँ फाल्स, ठीक, तो मल्टी सिलेक्शन गायब हो जाएगा,
ठीक है जी, ये देखिए नहीं हो रहा है ना मल्टीपल, ये देखिए मल्टी सिलेक्शन अब नहीं होगा जी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो सिलेक्टेड रो है उसका जीरो नंबर वाला मेरे को रो दे दो, ठीक। तो जीरो नंबर अगर मैं रो लूँगा तो क्या होगा जी, जीरो नंबर वाला रो हमारे पास आ जाएगा, आ गया जीरो नंबर का रो, ठीक है। अब रो के अंदर से हमको क्या चाहिए जी, कॉलम चाहिए। तो ऐसे मैं क्या करूँगा जी, को सेल ले लूँगा, सेल लिखूँगा तो कॉलम आएगा, यहाँ पे सेल ले लूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसा ना करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट यहीं पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, सिलेक्टेड रो मेरा आ गया, जीरो आ गया ना। अब इसी सिलेक्टेड रो पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट सेल लिखता हूँ, ठीक। और सेल अब कौन सा सेल चाहिए जी, एक सेकेंड, हेलो, ठीक है जी, सेल यहाँ पे सेल मैं लिखा, ठीक है। अब सेल मतलब क्या, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया, कर लिया। सेल मतलब क्या जी, मैं बता रहा हूँ सेल मतलब क्या, सेल का मतलब है ये वाला, ठीक। अगर मैं सेल में आईडी लिख दूंगा तो आईडी आएगा, नेम लिख दूंगा तो नेम आ जाएगा, एड्रेस लिख दूंगा तो एड्रेस आ जाएगा, राइट। तो कौन सा चाहिए सेल, या जीरो लिखूंगा तो ये वाला आईडी आएगा, नेम वन लिख दूंगा तो ये नेम आ जाएगा, टू लिख दूंगा तो ये एड्रेस वाला एक्सेस होगा, राइट। तो देखिए जी आप यहाँ पे सेल, अब सेल भी तो मल्टीपल है, तो इसमें सेल में मैं क्या दे दूंगा जी, यहाँ पे डबल कोट किया और यहाँ पे लिख दिया मैं आईडी मेरे को चाहिए जी, डॉट सेल का क्या चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ वैल्यू चाहिए मुझे सेल का, लिख दिया एंटर मार दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू आ गया जी सेल का। अब सेल का क्या वैल्यू था जी, तो मैसेज बॉक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ वैल्यू में क्या आएगा, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, डिलीट मारा, टू आ गया ना। फिर यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, डिलीट मार, तो क्या आ गया, वन आ गया, आ गया वन। तो इसी तरह से आप क्या करिएगा, यहाँ पे आईडी के जगह पे मैं क्या नेम कर दूंगा तो नेम आ जाएगा जी, ठीक है। नेम मैंने यहाँ पे कर दिया ना, आप देखिएगा नेम आएगा, ठीक। ये सेलेक्ट किया, आ गया ना नेम, ये सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये देखिए नेम आ गया, ठीक है। तो हम जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा, ठीक। तो इस लाइन में किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, ये लाइन सही है या इसको और सिंपल मैं बना के लिखूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पीछे बताइए आप लोग, नहीं बताओगे, दिक्कत कुछ समस्या है आप लोग को तो बताइए जी, समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है जान करके कि आपको समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ना लिख करके मैं लिख लेता हूँ आईडी, आईडी ले लेता हूँ और यहाँ पे नेम के जगह पे क्या कर देता हूँ जी, आईडी ही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। मेरे को मिल गया आईडी। अब मेरे को डेटा डिलीट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं डीम एस्किप कमांड का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, सी एम डी लिखा, फिर एज न्यू, फिर ओ एल ई डी बी का कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। अब इस कमांड को क्या चाहिए, इस कमांड को दो ठो पैरामीटर चाहिए, एक ठो क्या चाहिए, कमांड चाहिए स्ट्रिंग के रूप में, और दूसरा क्या चाहिए, एसक्यूएल का कनेक्शन। ये देखिए बोल रहा है ना, ये देखिए इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा है ना। तो पहला में क्या बोल रहा है, सी एम डी टेक्स्ट एज ए स्ट्रिंग, मतलब डिलीट करना है ना, तो एसक्यूएल में डेटाबेस से डेटा डिलीट करने का कुछ कोड होगा क्यों भाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ये लिखते हैं तो सेलेक्ट होता है ना डेटाबेस से डेटा, तो वैसे ही डिलीट करने का भी तो कुछ क्वेरी होगा, तो वो क्वेरी मुझे यहाँ पे दे दो डबल कोट में। और दूसरा पैरामीटर में क्या दे दो, कनेक्शन, कनेक्शन किस टाइप का, तो ये देखिए ओ एल ई डी बी कनेक्शन लिखा है यहाँ पे, मतलब ओ एल ई डी बी कनेक्शन चाहिए मेरे को, ठीक। तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओ एल ई डी बी का कनेक्शन चाहिए, ठीक।
एंटर किया, तो ऊपर हमने क्या करा था, ये देखिए, ये है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है जी, ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, राइट। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या मांग रहा है, डेटा एडॉप्टर तो जो है ले लिया स्ट्रिंग टाइप में ही, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग जो था उसको तो स्ट्रिंग टाइप में ले लिया, लेकिन जो कमांड है वो LEDB जो कमांड है इधर, वो LEDB जो कमांड है वो कनेक्शन को स्ट्रिंग टाइप में नहीं लेगा, बल्कि वो LEDB कनेक्शन टाइप में लेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जी, हमको यहाँ पे डीम CONN मैं यही लिखता हूँ एज ओ एल ई डी बी कनेक्शन, ये देखिए कनेक्शन है, इसी का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जी, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगा, कॉपी करके डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक। ये लाइन समझ में आ गया जी आप लोगों को, ठीक है, कांट ऑपरेंड टाइप स्पेसिफिक एरे, इसको मैं एज स्ट्रिंग कर देता हूं तो ये ले लेगा, ठीक। ले ले भाई, नहीं लेगा, ये तो बहुत अत्याचार है, लाइक बिल्ड एरर, ठीक है जी, नहीं लेंगे आप तो हम कुछ और टेक्निक यूज करेंगे, इसी को अगर मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत जी, है दिक्कत, ये कहना क्या चाहता है आखिर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ठीक है। यहाँ पे न्यू कौन लिखेगा यार, न्यू तो हमको लिखना ना पड़ेगा, न्यू के बगैर कैसे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना न्यू के बगैर, न्यू के बगैर तो नहीं बनेगा जी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लीजिए जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो आपको आता नहीं जी कि न्यू का मतलब, मैं उतना ज़्यादा अभी समझा पाऊँ आपको, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना से काम चलाइए, आपको अगर सीखना है तो आप मुझे बता देना जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक बता दो, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है बता दो, वैसे क्लास ऑब्जेक्ट में बताया था आप लोगों को काफ़ी पहले, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब यही कनेक्शन किसको चाहिए जी, एक कमांड को चाहिए, यहाँ पे दे दूंगा तो ये काम चल जाएगा जी ऐसे, ठीक, लेकिन ये कह रहा है कि CONN इज नॉट डिक्लेयर्ड, मतलब क्या है इसका कि यहाँ पे एक सब बना और यहाँ पे ये सब रूटीन खत्म हो गया ना, तो ये सब के सब रूटीन के अंदर एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना है, इसीलिए यहाँ पे इस सब रूटीन के अंदर वो अवेलेबल नहीं है, उसका स्कोप नहीं है इधर, ठीक। जैसे मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का स्कोप कहाँ तक रहता है, राज्य तक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का स्कोप कहाँ तक रहता है, वो तो पूरे देश का रहता है ना, तो ठीक उसी तरह से ये आपका यहाँ पे क्लास है खत्म हुआ और क्लास यहाँ पे शुरू हुआ है ना, ये देखिए क्लास लिखा है और यहाँ पे फॉर्म वन लिखा, तो यहाँ पे क्लास शुरू हुआ है, लेकिन क्लास के अंदर ये सब रूटीन है, अब ये सब रूटीन यहीं तक खत्म हो गया ना, तो इस सब रूटीन के अंदर बना है ना ये कनेक्शन, तो इसीलिए इस सब रूटीन के अंदर तक ही ये सब रूटीन के अंदर ही ये कनेक्शन अवेलेबल है, ठीक। लेकिन इस सब रूटीन के बाहर मतलब इंड सब के बाहर यहाँ ये डिलीट वाले में अवेलेबल नहीं है, ठीक, आपको समझ में आ रहा है जी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये बनाना पड़ेगा क्लास लेवल पे, ठीक, ऐसे बना दो जी आप इसको क्लास लेवल पे, मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब ये क्लास कहाँ पे खत्म हुआ है, ये क्लास तो यहाँ पे खत्म हुआ है ना, और क्लास के अंदर ही तो सब रूटिंग है, तो अब जो है यहाँ पे एक्सेसिबल है कनेक्शन, ठीक, आ गया यहाँ पे कनेक्शन, इतना क्लियर है ना सबको, नहीं है क्लियर, है क्लियर। चलिए जी, डिलीट कैसे किया जाता है, डेटा टेबल में से डेटा डिलीट कैसे किया जाता है मालूम आपको, बताता हूँ जी मालूम कैसे होगा आपको, जब तक मैं नहीं बताऊंगा, सबसे पहले लिखिए डिलीट, ठीक, फिर लिखिए फ्रॉम, ठीक, डिलीट फ्रॉम
फिर लिखिए जिस टेबल में से डेटा डिलीट करना है उस टेबल का नाम, ठीक। डिलीट लिखिए, फिर फ्रॉम लिखिए, फिर टेबल का नाम लिखिए। तो डिलीट फ्रॉम मैंने लिख लिया, फिर टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक। तो लिख दिया मैं स्टूडेंट, ठीक। ये जितना पार्ट सिलेक्टेड है, ये पार्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को, इसका मतलब ये है डिलीट, ये है एसक्यूएल का क्वेरी, ठीक भाई। डेटाबेस को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, एसक्यूएल लैंग्वेज समझ में आता है, राइट। तो ये एसक्यूएल का क्वेरी मैंने लिखा, ठीक, स्टूडेंट लिखा। फिर मान लीजिए मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट के जगह पे एम्प्लॉई होता तो मैं क्या करता, इस स्टूडेंट के जगह पे मैं एम्प्लॉई लिख देता, राइट। चलिए जी, स्टूडेंट हुआ, लेकिन अभी मैं रन कर दूंगा प्रोग्राम तो क्या होगा कि ये सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं जी, कौन जो स्टूडेंट का आईडी मैं दूंगा वो सेलेक्ट, वो डिलीट करो, राइट। तो स्टूडेंट वेयर लिखना पड़ेगा, ठीक, वेयर, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी, डिलीट किसको करना है, तो जिसका आईडी, ठीक, यहां पे लिखो आप आईडी इक्वल टू, जिसका आईडी क्या है, जिसका आईडी ये है। अब ये आईडी कहां से आया, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल से आया। समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं आ रहा है, पीछे आईडी लिख दिया यहां पे मैंने कॉन्केटिनेट करके, ठीक। तो एसक्यूएल में क्या होता है, एसक्यूएल में क्या होता है कि नंबर है तो उसको सिंगल कोट के अंदर लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन वही अगर स्ट्रिंग है, कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो, सर्च करना चाह रहे हो, तो क्या होगा, सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी को जो है कॉन्केटिनेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा जी, कमांड को क्या दे दिया, एसक्यूएल का कमांड भी दे दिया यहाँ से यहाँ तक, और फिर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी मैंने दे दिया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, पीछे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा जी, cmd.ex लिखूंगा। यहाँ पे तीन ठो मेथड आता है, एक होता है एग्जीक्यूट नन क्वेरी, एक होता है एग्जीक्यूट रीडर, एक होता है एग्जीक्यूट स्केलर, ठीक। तो एग्जीक्यूट नन क्वेरी कब चलाया जाता है, जब डेटाबेस में डेटा या तो इंसर्ट करना हो, या तो अपडेट करना हो, या तो डिलीट करना हो, तो चलेगा एग्जीक्यूट नन क्वेरी, क्योंकि इंसर्ट अपडेट डिलीट को क्वेरी नहीं माना जाता, ठीक है। तो जब इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो हम चलाते हैं एग्जीक्यूट नन क्वेरी, ठीक। अगर लेकिन cmd.execute reader कब चलता है, जब हम डेटाबेस में से डेटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक। आप लोग कहेंगे कि जी ऊपर तो आपने डेटाबेस में डेटा सेलेक्ट करने के लिए एक कमांड का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनाया था, OLEDB कमांड का ऑब्जेक्ट आपने नहीं बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे OLEDB कमांड के मदद से हम डेटाबेस में डेटा नहीं लाए थे, यहाँ पे लाए थे OLEDB डेटा एडॉप्टर के मदद से लाए थे। और ये क्या है, ये है डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, ठीक, और ये है कनेक्टेड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं दोबारा डेटाबेस में से डेटा ग्रिड व्यू में शो जब कराऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, एक मिनट का टाइम देना भाई, मैं किधर था यार, भूल गया, ठीक है। एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू क्या होता है जी, यहाँ पे ये डेटाबेस से डेटा रीड करता है और आपको दे देता है, आप चाहे तो ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखा सकते हैं, ठीक है। दोबारा जब ग्रिड व्यू में मैं डेटा लोड करूंगा, ठीक है, तो OLEDB डेटा एडॉप्टर के थ्रू नहीं बल्कि कमांड के थ्रू लोड करूंगा, तो आप वो टेक्निक भी सीख लेना उस समय पे, ठीक। एग्जीक्यूट स्केलर क्या करता है जी, डेटाबेस में से जब कोई सिंगल वैल्यू लाना हो तो एग्जीक्यूट स्केलर का इस्तेमाल होता है। मैं बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि लॉगिन लॉगआउट के फीचर में इसका इस्तेमाल करके मैं आपको बता दूं। अभी हम फिलहाल एग्जीक्यूट नन क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फिर अब इसके बाद क्या है, जैसे ही एग्जीक्यूट नन क्वेरी चलेगा वैसे ही डेटाबेस में से डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले क्या होगा, हमें कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है।
ओपन करना पड़ेगा कनेक्शन, राइट। अब कनेक्शन ओपन जब आपने किया तो कनेक्शन को क्या कर दीजिए, क्लोज भी करना पड़ता है। क्लोज आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सिक्योर रहेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, दिखा दूं या फिर बोल दूं चल जाएगा आपको, करके दिखा देता हूं जी, ठीक है। जैसे ही एग्जीक्यूट नन क्वेरी चलेगा, ठीक है, एक फंक्शन है और ये क्या करता है, इंटीजर नंबर रिटर्न करता है, ठीक। मैंने कितना क्या रिटर्न करता है, इंटीजर नंबर। ये तो फिर से चला गया जी, ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि एज इंटीजर, यहाँ पे लिखा है ना फंक्शन में, एज इंटीजर मतलब कि इंटीजर रिटर्न टाइप है। दूसरा है यहाँ पे, फिर से चला गया जी ये तो, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, आखिरी लाइन पढ़िएगा सजेशन का, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, मतलब जितना रो हम डिलीट करेंगे उतना नंबर हमें दे देगा। तो यहाँ पे आईडी तो सिर्फ एक ही रो का होगा ना, मल्टीपल रो का तो आईडी नहीं होगा। जैसे मैं रन करूं अगर प्रोग्राम, रन किया मैंने प्रोग्राम, तो एक रो का आईडी एक है, दो है, ठीक। तो दो तो इसी रो का होगा कि बाकी दूसरे रो का तो नहीं हो सकता ना, दो तो एक बार में एक ही डेटा डिलीट होगा, राइट। तो एक बार में जब एक ही डेटा डिलीट होगा तो क्या रिटर्न करेगा, वन, ठीक, वन वो रिटर्न कर देगा। तो वन रिटर्न करेगा मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, हो जाएगा ना, ट्रू हो जाएगा जी। चलिए जब ट्रू हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू वन, अगर ये होता है इफ में लगाता हूँ, ठीक है। तो देन क्या कर दो जी, मैसेज बॉक्स में दे दो क्या, डिलीट सक्सेस, डिलीट सक्सेस, ठीक। चलिए जी, एग्जीक्यूट नन क्वेरी क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा, एक थोरो डिलीट होगा तो एक रिटर्न करेगा। अब जैसे ही रिटर्न करेगा तो हमको मैच करा लेंगे वन से कि क्या वन रिटर्न करा उसने, अगर हाँ तो ट्रू हो जाएगा कंडीशन और डिस्प्ले पे मैसेज आ जाएगा सक्सेस का। अन्यथा मैं क्या कर देता हूँ जी, एल्स पार्ट में लिख देता हूँ डिलीट अनसक्सेस, अनसक्सेस, ठीक, डिलीट हो गया अनसक्सेस, ठीक है जी। तो कनेक्शन मैंने क्लोज अभी नहीं करा है जी, तो देखिएगा क्या समस्या आएगा। इसको मैंने डिलीट कर दिया जी, डिलीट सक्सेस हो गया सीधा, ठीक है। अभी यहाँ डेटा यहाँ पे डिलीट हुआ तो ये हटना चाहिए था ना, लेकिन अभी तो हटा नहीं ना जी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने डेटाबेस में से तो डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है। आपको अगर मैं एक्सेस दिखाऊं तो ये देखिए एक्सेस में से डेटा डिलीट हो गया, देखिए डिलीटेड हैशटैग डिलीटेड आ गया ना। फिर से मैं राइट क्लिक करके ओपन अगर मैं कर दूं, ठीक है, या इसको मैं क्लोज करूं, ठीक है, और फिर से ओपन कर दूं ना, तो देखिए गायब हो चुका है ना वो। तो डेटाबेस में से तो डेटा डिलीट हो ही गया है, लेकिन डेटाबेस में डेटा डिलीट होता, ठीक, उसके पहले तो हमने तीन ठो रिकॉर्ड उठा लिया था ना डेटाबेस में से। तो डिलीट होने से पहले जो हमने तीन रिकॉर्ड डेटाबेस में उठाया था वो तो ग्रिड व्यू के अंदर रहेगा ही ना। अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम को बंद करूंगा, ठीक, प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब फिर से रन करूंगा तो क्या होगा, दो डेटा हमको दिखाएगा, अब फ्रेश डेटा लोड कर रहा है, ठीक। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है जी, बता देता हूँ जी मैं सॉल्यूशन इसका, कि जैसे ही सक्सेसफुल डिलीट हो गया तो क्या करो, डेटाबेस में से डेटा फिर से लोड करा दो, ठीक, क्योंकि डेटाबेस में से डेटा तो डिलीट हो जाता है, लेकिन ग्रिड व्यू कंट्रोल में जो डेटा हम रखते हैं वो तो ग्रिड व्यू कंट्रोल में रहता ही है ना। हमारे कंप्यूटर के रैम से तो डेटा नहीं डिलीट होता ना, हो जाता है, नहीं होता वो डिलीट, वो तो सिर्फ होता है तो कहां से, डेटाबेस में से। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि ये देखिए ये जितना कोड है डेटाबेस में से डेटा उठा के लाने का, ये सारा कोड को कहां लिख देंगे, यहां पे लिख देना नीचे, लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, कोड डुप्लीकेट होगा, तो ऐसा हमें कोड नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, कट करूंगा और इसको बना दूंगा फंक्शन, या सब रूटीन बना देता हूं, अच्छा है, गेट डेटा, गेट डेटा
इन डेटाबेस, ठीक है। मैं ये लंबा सा नाम बना दिया जी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके जनरेट कर दे रहा हूँ जी, ठीक है। वो जनरेट हो गया होगा, कहाँ जनरेट हुआ होगा, आखिरी में, देखिए जनरेट हो गया है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, ठीक। तो ये देखिए सब रूटीन बन गया है, ठीक है। ये सब रूटीन तो बना दिया ना मैंने। अब जहां जहां मेरे को डेटाबेस से डेटा लोड कराना होगा, इसी फंक्शन को मैं सब रूटीन को कॉल कर दूंगा। तो फॉर्म के लोड होते ही डेटाबेस से डेटा उठाना है ना, तो ये देखिए, तो यहां पे मैंने कॉल कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही डेटा डिलीट हो, ठीक, डिलीट होने के बाद भी डेटाबेस से डेटा फिर से उठे और ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखा दे, ठीक। तो क्या होगा, जैसे ही डेटाबेस से डेटा उठाएगा और ग्रिड व्यू कंट्रोल को देगा, तो ग्रिड व्यू कंट्रोल में नया डेटा आएगा ना। जब ग्रिड व्यू कंट्रोल में नया डेटा आएगा तो क्या होगा, हमारा अपडेटेड डेटा दिखेगा। आप देखिए जी, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं। जैसे किया, डिलीट सक्सेस हो गया, गायब हो गया। अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो देखिएगा क्या एरर देगा। एरर दे दिया जी, आ गया एक्सेप्शन। तो बोल क्या रहा है, द कनेक्शन वाज नॉट क्लोज, क्लोज्ड द कनेक्शन, करंट स्टेट ओपन, ठीक। मतलब आपने कनेक्शन जो ओपन करा है वो तो बंद करा नहीं है। जब बंद नहीं करा है तो मैं दोबारा कैसे ओपन करूं, पहले से ओपन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका दो सॉल्यूशन है यार, क्या क्या। तो एक होता है कनेक्शन का स्टेट, ठीक है, कनेक्शन डॉट स्टेट। स्टेट अगर इक्वल टू क्या है, ओपन है, क्लोज्ड है, ठीक। मैं इफ में लिखता हूं इसको, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या लिखा जी, ये देखिए कनेक्शन का स्टेट, अगर कनेक्शन का स्टेट क्लोज्ड है तभी ओपन करो, ठीक, अन्यथा कुछ मत करो। तो अगर क्लोज्ड होगा तब तो एक बार ओपन कर देगा, लेकिन दोबारा क्या होगा, ओपन ही होगा, तब जो है ओपन नहीं चलेगा और सीधा डिलीट चलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे प्रॉब्लम का हमारे समस्या का समाधान मिल जाएगा जी, एक्सेप्शन एरर नहीं आएगा, ठीक। या तो आप ऐसे काम कर लो इफ एल्स से, अन्यथा ये नहीं करना है तो आप क्या करो, कनेक्शन को आखिरी में जैसे ही डेटाबेस से डेटा डिलीट हुआ, डिलीट होने के साथ ही क्या करो, कनेक्शन डॉट क्लोज कर दो, ठीक, कनेक्शन को जी क्लोज कर दो, ठीक। आप कहेंगे अच्छा तरीका क्या है, मुझे इन दोनों में से कोई तरीका पसंद नहीं है। तब कौन सा पसंद है जी, मैं आपको बताऊंगा थोड़े देर में, ठीक है। या फिर अभी ना बता करके मैं आपको जब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने लगूंगा उस समय बता दूंगा, ठीक है। अभी ये दो टेक्निक पे इस्तेमाल करो, मेरे को तो दोनों में से कोई नहीं पसंद है, ठीक है। लेकिन आप ये टेक्निक यूज करो तो ये कोई टेक्निक खराब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन ओपन हुआ, यहाँ पे कनेक्शन हमने क्लोज कर दिया, चाहो तो यहाँ पे भी मत क्लोज करो, बस यहीं पे क्लोज कर दो, ठीक है जी। ओपन कहाँ पे करो कनेक्शन, जब क्वेरी चलाना हो तो जस्ट उसके पहले ओपन कर दो, और जैसे ही क्वेरी चला जस्ट तुरंत क्लोज कर दो कनेक्शन, ठीक है, ये कर दो जी। अब यहाँ पे आइए जी, अब मैं यहाँ पे डेटा डिलीट करूंगा तुरंत तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं चार पांच डेटा क्या करता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नाम मैं डालता जा रहा हूँ जी, मैं कुछ भी वैलिड डेटा नहीं डाल रहा हूँ। फीस में तो नंबर है तो यही देना पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ भी डेटा डाल रहा हूँ, वैलिड डेटा नहीं डाल रहा हूँ जी, ठीक है। तो आप ऐसा मत करिएगा, आप वैलिड डेटा डालिएगा, ठीक है। मेरे पास इतना नहीं है जी टाइम कि मैं बहुत अच्छे से डेटा वैलिड डालूँ, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने इतना डेटा डाल के कर दिया इसको सेव और कर दिया बंद, ठीक है जी। मैंने इसको रन किया, अब आप देखिए मैंने डिलीट किया छः को, डिलीट सक्सेस हो गया। फिर यहाँ पे आया, फिर डिलीट किया, डिलीट सक्सेस हो गया जी,
हो गया ना डिलीट, अब कोई एरर नहीं आया, आएगा भी नहीं एरर, वो सॉल्व हो चुका। ठीक, अब प्रश्न ये है मेरा कि जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तुरंत डिलीट कर देता है, कर देता है ना तुरंत डिलीट। मैं चाहता हूं यार पहले पूछे आर यू श्योर कि मैं डिलीट कर दूं, मैं कहूं हां तब डिलीट कर दे, मैं कह दूं नो, गलती से क्लिक हो गया था, तब क्या कहे, तब डिलीट ना करे। राइट, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, उसके लिए हम कुछ काम करेंगे, तो एक कमांड वगैरह तो चलेगा। ठीक है, जस्ट कनेक्शन ओपन करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैसेज बॉक्स शो करना चाह रहा हूं। तो मैसेज बॉक्स में आया और यहां पे क्या किया, पहले मैं दे रहा हूं मैसेज, क्या आर यू श्योर, स्पेलिंग यही है क्या श्योर का, यही है पक्का, आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड। ठीक, रिकॉर्ड का स्पेलिंग सही है, चलिए गलत भी होगा तो हमारा का बिगड़ेगा, आप लोग समझ लीजिएगा कि सही है मैं लिखा हूँ, चाहे गलती है जो मन करे, आप जानते हैं मैं कितना ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या किया, ये मैसेज दिया। ठीक, ये मैसेज देने के बाद मैं क्या करूँगा जी, मैं चाहता हूँ कि ओके और कैंसिल का बटन आए मेरे पास, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इस वाले को मैं सेलेक्ट कर लिया। ठीक, फिर कॉमा देता हूँ, टाइटल में दे देता हूँ कन्फर्म। ठीक, कन्फर्म डिलीट मैंने दे दिया मैसेज। ठीक, अब मैं करता हूँ रन प्रोग्राम। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे आया, अब जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा ना तो तैसे ही मैसेज पूछेगा कि यस या नो, अभी मैं नो करूँगा तो भी डिलीट होगा और यस करूँगा तो भी डिलीट होगा। ठीक, इसीलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है जी, इसको मैं डाल दूंगा इफ के अंदर। ठीक है, और इंटर मार दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है मैं ना इन सभी कोड को पहले क्या करता हूँ, कमेंट, मैं इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, अब डिलीट करूँगा तो डिलीट होगा नहीं होगा ना, अब डिलीट, मैंने तो डिलीट करने वाला कोड को ही कमेंट कर दिया है ना, कमेंट कर दिया तो होगा नहीं डिलीट, क्यों, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिएगा जी, लेकिन क्या देखेंगे अब आप लोग, मैं दिखा रहा हूं क्या देखना है, डीम ए इक्वल टू ऐसे कर दिया, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, कि अगर हम यस पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, और कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, ये मैसेज बॉक्स जो है शो होगा। ठीक है, फिर हम क्लिक करेंगे ओके या कैंसिल, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो इस वेरिएबल में कुछ आएगा और यहाँ पे होल्ड हो जाएगा और प्रिंट कर लेंगे, या फिर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कुछ आएगा और यहाँ पे होल्ड कर लेंगे हम। राइट, चलिए जी, यहाँ पे आया, डिलीट बटन पे क्लिक करा, आर यू श्योर, ओके में क्लिक किया तो आ गया 1। ठीक, लेकिन फिर यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, पूछ रहा है आर यू श्योर, मैंने कैंसिल करा तो 2 आ गया। ठीक, तो हम अब कंडीशन लगा सकते हैं ना, एक पे क्लिक करता है तो डिलीट कर दो, एक पे क्लिक नहीं करता है तो क्या करो, कुछ मत करो, ऐसा कंडीशन तो आप लगा सकते हैं ना। तो हम 1 और 2 नहीं कंडीशन लगाएंगे, बल्कि क्या कंडीशन लगाएंगे, तरीका बदलेंगे हम कंडीशन का। 1 2 हमने तो अभी देख लिया ना कि ओके में क्या आ रहा है, कैंसिल में क्या आ रहा है, ये तरीका अच्छा नहीं है। ठीक, जैसे मैं क्या करूँगा, ए इक्वल टू 1 अगर है तो क्या करो, डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर दो जी, डिलीट कर दो। ठीक है, अन्यथा क्या कर दो जी, कुछ मत करो, डिलीट का कोड चलेगा ही नहीं, यही करता ना मैं, लेकिन ये तरीका वैलिड नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगेगा ये तरीका, मुझे पसंद नहीं है ये तरीका। तब पसंद क्या है जी, मैं वेरिएबल का नाम क्या बनाऊंगा, कन्फर्म। ठीक, एज डायलॉग रिजल्ट। ठीक है,
इसका जो रिजल्ट पहले आता था तो मैं किसी वेरिएबल में होल्ड कर लेता था, अब इसको मैं डायलॉग रिजल्ट में ही स्टोर कर रहा हूँ। ठीक, ये वेरिएबल जो कन्फर्म नाम का, ये डायलॉग रिजल्ट में मैंने स्टोर कर लिया। भाई कन्फर्म का ये डायलॉग बॉक्स ही है ना, आपने बटन पे क्लिक करा, कुछ पॉपअप आया, बॉक्स आया, तो डायलॉग बॉक्स ही है ना। तो उसको मैंने क्या किया, डायलॉग रिजल्ट टाइप के कन्फर्म वेरिएबल में स्टोर करा। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इफ कन्फर्म इक्वल टू, अब यहाँ पे आ रहा है ये देख लो जी, ओके। ठीक, यहाँ पे अगर डायलॉग रिजल्ट ओके है, ठीक है, ये फॉर्म्स को मैं हटा दूंगा तो भी समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए नहीं आ रहा है समस्या, लेकिन रहने दीजिए, क्या जाता है हमको, हमको कौन सा लिखना पड़ा था। ठीक है, अगर रिजल्ट में ओके आता है तो क्या करोगे जी, ओके का मतलब वन ए होता है इंटरनली, आप देख लीजिए सजेशन में दे रहा है ना वन। अब यही ओके की जगह पे अगर आप कैंसिल कर दोगे तो क्या होगा जी, ये कैंसिल है ऊपर, कैंसिल का मतलब देखिए दो ए होगा, दो होगा नहीं होगा जी, ये देखिए दो आ रहा है ना, तो एक और दो पता नहीं चलता, लेकिन अभी नो और एस तो पता चलेगा ना, तो ऐसे कर देंगे। ठीक, अरे नो नहीं, ओके चाहिए मेरे को, ओके। ठीक, ओके करेगा तो क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। ठीक, तो ये जितना भी मैंने क्या करा है, कोड लिखा था वो सब कोड कट कर किया यहाँ से, और ये कर दिया पेस्ट मैंने इसके अंदर। ठीक, जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेगा तब क्या होगा जी, डिलीट कर देगा, ओके पे क्लिक करेगा तो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, फिर डेटाबेस से डेटा लोड कर देगा, मैसेज भी दे देगा जी सक्सेस का, कनेक्शन को क्लोज कर दिया, एल्स में बोल देगा जी हम नहीं डिलीट कर पाए। ठीक है जी, तो मैं व्हाइट स्पेस को हटा देता हूँ जी, व्हाइट स्पेस के चक्कर में कुछ और भी हटा दिया। ठीक है, तो यही है जी कोड सारा। ठीक है, रन करके दिखा देता हूं, फोर नंबर रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूं, डिलीट पे क्लिक किया, कैंसिल मैंने किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अब ओके कर दिया, डिलीट सक्सेस, ये देखिए गायब हो गया, फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, ओके कर दूंगा जी, डिलीट सक्सेस, गायब हो गया। चलिए जी, तो कुछ पूछना है अगर किसी को इसमें तो आप पूछ सकते हैं जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछ लीजिए। ये है टोटल डिलीट का कोड। ठीक है जी, अगर आप फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए, ये टोटल है डिलीट का कोड, खींच लीजिए फोटो, हो गया। ये मैसेज बॉक्स लंबा है थोड़ा सा, तो इधर मैं लाता हूँ, मैसेज बॉक्स को भी खींच लो आप, हो गया। ये वाला कोड तो आपने खींच लिया होगा फोटो, ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको भी फोटो खींच लीजिए, क्या है कि आप ऊपर मैंने ग्लोबल बनाया है ना कनेक्शन, तो इसका भी फोटो आप लोग खींच ही लीजिए। ठीक, एक कनेक्शन जो स्ट्रिंग है ना यार, इसको मैंने सीधा यहाँ भी पास कर दूंगा तो चली जाएगा, आप समझ सकते हैं ये बात। ठीक है, तो कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है, अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो कोई बात ही नहीं है। तो कोई समस्या किसी को, पीछे समझ में सबको आया नहीं आया, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, देखिए अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया, आप नहीं पूछेंगे तो मैं यही मान लूंगा कि सबको समझ में आ गया। ठीक, तो पीछे सभी लोगों को समझ में आ गया ना, नहीं आया है, आ गया। ठीक है जी, क्या कुछ पूछना है जसवाल, नहीं पूछना है, ठीक है, तो बंद कर दूं, अब बंद कर दूं। चलिए जी मैं बंद कर देता हूँ, बाकी कल देख लेंगे।